नमस्कार। आइए आज हम सीखते हैं पपीते का हलवा बनाना। पपीते का हलवा बनाने के लिए हम पपीते को अच्छी तरह से साफ करके उसे इस तरह से लंबाई में काट लेंगे। काटने के बाद इसे कद्दूकस कर लेंगे। जब यह पूरी तरह से कद्दूकस हो जाए तब हम इसे प्रेशर कुकर में 5 मिनट तक पकने के लिए रख लेंगे। अब हम इसका हलवा बनाने के लिए यह सारी सामग्री अपने पास रख लेंगे। आठ दस बादाम, आठ दस दाख, आठ दस काजू, कोकोनट पाउडर, सौंफ 1 चम्मच, लौंग इलायची 3-4। अब एक कढ़ाई में घी गर्म कीजिए और उसमें लौंग इलायची और सौंफ का पाउडर डाल दीजिए। अब हम इसमें पपाया का पेस्ट मिला देंगे और इसे धीरे धीरे इस तरह से चलाएंगे। थोड़ी देर बाद इसमें चीनी मिलाइए। जब चीनी पिघल जाए और हलवा कढ़ाई का तल छोड़ना शुरू कर दे तब इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे। तो इस तरह से इसे सारे ड्राई फ्रूट्स से सजा लीजिए। ये देखिए, मैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मिला चुकी हूँ। अब हमारा हलवा खाने के लिए तैयार हो चुका है। यह देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो इसे ज़रूर बनाइए और ज़रूर खाइए। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शीघ्र ही मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।